देखो फोटो के जो हमें ब्रिज पे तस्वीर लगाई होगी इसमें सनसेट महोदय भी है। आप आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा टीवी अंग प्रदेश। जी सर बताइए कैसी फैसिलिटी मिल रही है आप लोगों को इस ट्रेन में? इस ट्रेन में अच्छी सुविधा मिल रही है, खाना भी अच्छा है और ये जो सीटिंग है ना इसका वो बहुत अच्छा है। बाकी ट्रेन में जो सेकंड एसी की ट्रेन में है वो हमारा सिर अगर मैं सीधा बैठता हूँ तो वो ऊपर वाली सीट के साथ सट जाता है, लेकिन इसमें काफ़ी गैप है तो आप काफ़ी सुविधाजनक रूप से बैठ सकते हैं। और यहाँ पर जो फेयर कुछ कैसा है बाकी ट्रेनों के मुकाबले? फेयर इसका बाकी ट्रेनों से ज़्यादा है, मतलब प्रीमियम क्लास की ये गाड़ी है तो इसका फेयर और दूसरी ट्रेनों से काफी ज्यादा है। साफ सफाई सुरक्षा को लेकर के क्या लग रहा है कि बाकी? नहीं, सुरक्षा के मद्देनजर इसमें जो डोर्स हैं वो काफी अपने आप बंद कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, बार वाला खोल नहीं सकता और सेटिंग वाला है आजकल। और यहाँ पर साफ सफाई अच्छी है, खाना भी अच्छा है। क्या अच्छी सौगात है ये बिहार वासियों के लिए? हाँ हाँ, काफी अच्छी सौगात है। मैं तो दिल्ली जा रहा हूँ और जो अभी ये नया रूट आज से बनाया है उन्होंने तो जो रास्ते में पड़ने वाले जो जिनके पास ये राजधानी की सुविधा उपलब्ध नहीं थी उन यात्रियों के लिए बहुत अच्छी सुविधा हो गई है और ये टाइम से पहले ही पहुँचा रही है। आप देखा होगा यहाँ पर पहुँचने का टाइम इसका 6:25 था और ये 5:40 पे यहाँ पर पहुँच गई है, तो मतलब टाइम का भी बहुत अच्छा है कि टाइम से पहुँचा रही है, टाइम से पहले पहुँचा रही है। मेरा भागलपुर को ये सौगात जो मिला है भागलपुर की जनता ने, काम करने वाला अपना प्रतिनिधि चुना है, भागलपुर की जनता ने अपना सेवक चुना है और कोको करने वाला वो हॉरन नहीं चुना है यहाँ। इसीलिए भागलपुर की जनता का हर काम हुआ है। मैं हमसे पहले 7 सांसद पूर्व हमारे बिहार के पूर्व स्वर्गीय भागवत आजाद जी मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, उन्होंने भागलपुर लोकसभा में NTPC वाला इतना प्रोजेक्ट ला करके दिया था। मैं उन्हें उनका मैं बहुत गुणगान करता हूँ। दूसरा 7वां सांसद अजय कुमार मंडल है जो कि भागलपुर लोकसभा में जितना विकास का पैसा आया है अब आने वाला कोई सांसद हमको लगता है कि 2-4 साल तक 2-4 पंचवर्षीय तो नहीं ला सकेगा क्योंकि भागलपुर का बहुत सारा काम मैंने निपटा दिया है और ये सब भागलपुर की जनता का देन है। तेजस राजधानी लाने में किसका देन? भागलपुर की जनता ने मुझे चुना और मैंने लाया। मैंने रेल मंत्री ने मैं बताता हूँ, अरे भाई अभी रुकिए, एक रुकिए हम बताते हैं। रेल मंत्री ने ट्वीट किया, जिस समय ये ट्वीट की बात चला था जिस समय था उस समय मैंने अपने फेसबुक के माध्यम से कितना चिट्ठी लिखा था वो सब आप लोगों को भी दिया था, सबको पता है। और मैं ये नहीं कहूँगा जब भागलपुर की एक एक जनता का हाथ है तो निष्कांत भैया भी तो भागलपुर की जनता है, वो भी तो हमारे वोटर है, अगर उनका कहना है तो क्या गलत मानते नहीं, वो वोटर है हमारे। अजय जो कि 2 सांसदों के हम सांसद हैं, मैं भाग्य मेरा 2 भाई बड़ा भाई जो है वो सांसद है, एक निष्कांत भैया और अश्विनी भैया, अश्विनी चौबे जी हम बड़े भाई हैं, उनको गुरु भी मानते हैं, दोनों भाई हमारे वोटर हैं। अगर इसमें उनका कहना है तो भागलपुर की जनता वो है उनका, मैं ये कभी नहीं कह सकता हूँ कि भागलपुर की जनता का हाथ नहीं है, मैं ये कहूँगा भागलपुर की जनता के हाथ है। ये जनता ने ऐसा सब अपना चुना सेवक और ये आगे दावा किया है कि इस बार लोकसभा का चुनाव वो लड़ेंगे, आप उनसे जाकर के पूछ लीजिए। मैं जदयू का सिपाही हूँ और सिपाही को हमारे कमांडर हमारे सुप्रीमो जहाँ खड़ा कर देंगे मैं वहीं खड़ा रहूंगा मूर्ति के तले, और किसी के कहने और सुनने की बात मैं तो नहीं सुनता हूँ, मुझे सुनने की आदत किसी लगातार वो दावा करने की मैं तो कहा कि मुझे किसने क्या दावा किया किसने क्या किया उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मतलब यह है कि मैं पार्टी का सिपाही हूँ और पार्टी मुझे जहाँ खड़ा कर देगी मैं इन चुनाव से वहीं खड़ा होकर तटस्थ होकर के। गोपाल मंडल को टिकट मिलेगा तो आप मदद करेंगे ना?
आप एक बात जान लीजिए, मेरे मुख्यमंत्री किन्हीं को भी रखेंगे हमारे सामने, मैं उन्हीं को पूछूंगा, आप जान लीजिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जिनको सामने खड़ा कर देंगे, मैं उनको पूछूंगा। थैंक यू। आज से तेजस भागलपुर से बहुत प्रतिष्ठित मांग जी, क्या कहिएगा? ये श्रेय लेने के लिए तो काफी लोग हैं लाइन में। श्रेय मैं तो सुन रहा था लोगों को, श्रेय किसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए सारे लोग जान रहे हैं, और वर्तमान की परिस्थिति को देखते हुए यही बोला जा सकता है कि बोलना कुछ नहीं है, करना है। ये जनता देखती है कि किसने किया नहीं किया। और श्रेय की जहाँ तक बात है, तो श्रेय तो माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने अपने ट्वीट के माध्यम से दे ही दिया। मुझे तो नहीं लगता है कि रेलवे में उनसे बड़ा कोई अथॉरिटी आज के डेट में भारत में है। और जहाँ तक बात है, उनकी बातों को तो काटा जा सकता है, सिर्फ नरेंद्र मोदी ही काट सकते हैं। मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूँ, माननीय सांसद या जो भी श्रेय लेना चाहते हैं, कोई नरेंद्र मोदी तो नहीं है। जब अश्विनी वैष्णव जी ने लिख के दे दिया कि ये गुड्डा सांसद की पहल पे मैंने तेजस राजधानी दी, बात वहीं ख़त्म हो गई। फिर आगे जो भी यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि होंगे, जैसे इनमें हर्ष है, मुझमें हर्ष है, जितने भी भागलपुर की जनता है सब में हर्ष है, तो हर्ष मनाने के लिए तो सब आ सकते हैं, लेकिन जिंदाबाद तो नरेंद्र मोदी ही होंगे, जिंदाबाद अश्विनी वैष्णव ही होंगे, जिंदाबाद निशिकांत दुबे। कि राजधानी एक्सप्रेस भी भागलपुर से चल सकती है, माननीय निशिकांत दुबे के द्वारा और अजय मंडल के द्वारा के प्रयास से ये काम हुआ है। कितने खुश हैं भागलपुर के लोग? बहुत खुश हैं, बहुत उत्साह हैं। और कुछ लोग हमारे साथ बताइए, आज तेजस राजधानी एक्सप्रेस बहुत लंबे समय से मांग चली आ रही थी, कई चुनावों में मुद्दा भी बना, ये शुद्ध रूप से माननीय गुड्डा सांसद के द्वारा ये दिया हुआ ट्रेन है। ये एक ट्रेन नहीं है, कम से कम 7-8 ट्रेन भागलपुर को हम लोग को उनके द्वारा मिला है। ये भागलपुर वाले के लिए सौभाग्य है कि मेरे भागलपुर के सांसद गुड्डा से हैं, लेकिन सारा कुछ इधर भागलपुर वाले को दे रहे हैं। फायदा कितना मिलेगा यहाँ के लोगों को? यहाँ के लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। आप कितने खुश हैं व्यक्तिगत? बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत खुश। और यही हिमाद्री दुबे, हम लोग यही चाहते हैं कि और भैया और ट्रेन दे, निशिकांत भैया और ट्रेन हम लोग को देते रहे, ये चल लिए। ये भी भाई, और देखिए ये भी कुछ ये यात्री हैं, और भागलपुर के बताइए कैसा लग रहा आज ये यहाँ पे, जो आज ट्रेन जो है अगरतला और अगरतला से न्यू दिल्ली राजधानी जो ट्रेन खुली है, इससे भागलपुर अंग प्रदेश के जितने भी लोग हैं, चाहे वो नौजवान हो, युवा हो, या बुजुर्ग हो, या महिलाएं हो, सभी को इस ट्रेनों से दिल्ली, जो कि भारत में एम्स जाने के लिए, एम्स का सुविधा के लिए कोई भी ऐसा ट्रेन नहीं था, लेकिन आज ये ट्रेन भागलपुर से खुलेगी। जितने भी असक्षम मरीज हैं जिनको इलाज के लिए यहाँ से एयरपोर्ट भी नहीं है, इसलिए ये ट्रेन का होना एकदम ही ज़रूरी था जो है, इसलिए ये ट्रेन जो चुलवाए, जो माननीय सांसद जी का बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद, और भागलपुर के जनता के लिए ये बहुत ही लाभकारी होगा जो है। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग कितने खुश हैं ये ट्रेन जो? बहुत खुश हैं हम लोग, क्योंकि हम खुद ही दिल्ली यूनिवर्सिटी से पहले थे, तो हम लोगों को दिल्ली जाने में काफ़ी समय होता था, वहाँ से मैं भी स्टूडेंट लीडर रह चुका हूँ, तो यहाँ से हम लोग पहले तिनसुकिया से जाते थे, ये विक्रमशिला से जाते थे, एक ही ट्रेन थी, लेकिन अब ये एक ट्रेन हुआ जो कि समय भी कम लगेगा, डायरेक्ट हम लोग पहुँच जाएंगे, और जो भी काम है सब आसानी से और इजली वे में हो सकता है। श्रेय किसको देंगे ये राजधानी एक्सप्रेस? श्रेय तो देखिए, जो यहाँ के सांसद हैं और गोड्डा सांसद हैं, उनका माननीय श्रेय है, क्योंकि आज उन्होंने पोस्ट भी किया था रेल मंत्री के साथ में, वो जो भी है यहाँ के एमपी का भी योगदान है, दोनों का योगदान है जो है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अब ये हरी झंडी भी यहाँ से अब दिखाने कि अब जो शुरुआत वो हो रही है, और यहाँ से अब संभवतः ये ट्रेन खुलने वाली है। आप देख सकते हैं कि कई लोग फूल गुलदस्ता लेकर के, जो ड्राइवर हैं और जो पैसेंजर्स हैं पहली बार जो चल रहे हैं उनको दे रहे हैं, और साथ ही जो ड्राइवर हैं उन्हें फूल गुलदस्ता, मिठाई का डब्बा, ये तमाम चीज़ें उनको मुहैया करा रहे हैं, और जो गार्ड हैं उन्हें मुहैया करा रहे हैं कि ये फूल गुलदस्ता। गार्ड साहब है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार आई है। लोग इस तरह से आपका स्वागत कर रहे हैं भागलपुर में, बहुत अच्छा लगा। सिल्क सिटी है ये, यहाँ पर सिल्क सिटी, और यहाँ का सिल्क जो पूरे विश्व में मशहूर है, और यहाँ से इस तरह का आपका वेलकम, मोस्ट वेलकम, ओके, थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे पैसेंजर से? पैसेंजर से कहा कहेंगे तो सब कुछ ठीक है, बहुत बढ़िया लगा, सबको अच्छे सही सलामत पहुँचा देंगे, और क्या सेवा करते रहेंगे।
तो देखिए ये थे इस ट्रेन को लेकर चलने वाले यहाँ के जो गार्ड साहब इस ट्रेन के और कहाँ के अभिभूत हैं। यहाँ के लोगों ने जिस से इनका स्वागत किया है, इनका जो वेलकम कप आप देख सकते हैं कि फूल और मालाओं से इन्हें लाद दिया गया और तमाम लोग इनके साथ सेल्फी भी ले रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से लोगों में होड़ है, उत्साह है कि लोगों के साथ उनके साथ जो गार्ड हैं यहाँ के इस ट्रेन के तेजस ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस के उनके गार्ड के साथ लोग सेल्फी ले रहे हैं। और अब झंडी अब हरी दिखानी है और उसके बाद ये ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाएगी नई दिल्ली के लिए।